हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट। एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं टू द पॉइंट तरीके से और प्रीलिम्स। एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली, आई विल टेल यू देयर इज दिस कोर्स व्हिच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन एट अभिमन्यु आईएएस। एंड अभिमन्यु आईएएस इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच प्रिपेयर्स यू फॉर योर यूपीएससी एंड वेरियस पीसीएस एग्जामिनेशंस एंड हैज मोर देन 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड and has given out more than 2200 positive results since 1999. I'll tell you about the course later on in the video. Abhi, let's just focus on today's topic, that is Sunni Dam Hydropower Project. Aur abhi recently Cabinet Committee on Economic Affairs ne isko approval de di hai ki investment of 2614 crore rupees for 382 megawatt Sunni Dam Hydroelectric Project in Shimla and मंडी डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए, ये एक कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली, बट यहाँ पे भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें से डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। हिमाचल के अंदर देर आर 12 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो ये प्रोजेक्ट है ये वहाँ पे इट इज टू बी मेड देयर ओनली। कौन कौन से? शिमला एंड वी हैव मंडी। इट इज अ रन ऑफ द रिवर टाइप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर्पस टू हार्नेस द हाइड्रल पोटेंशियल ऑफ रिवर सतलुज। तो ये आपको मिल गया आपका दूसरा प्री का पॉइंट कि कौन सी रिवर के ऊपर है सुन्नी डैम प्रोजेक्ट। एंड द आंसर इज दैट रिवर सतलुज के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। और ये बेसिकली एक ये प्रोजेक्ट है एक और किसी लुहड़ी एक प्रोजेक्ट है लुहड़ी या लुहड़ी LUHRI, तो उस प्रोजेक्ट का पार्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर देर आर 3 प्रोजेक्ट एंड दिस इज द थर्ड वन। वी हैव लुहड़ी स्टेज 1, लुहड़ी स्टेज 2 एंड देन वी हैव सुन्नी डैम प्रोजेक्ट। अभी देखते हैं उसके बारे में, आपको मिल जाएगी लिस्ट उसकी और कितने कितने वो मेगावाट्स के हैं वो भी हम देखते हैं साथ में अभी। एक्सक्यूज मी, लेट मी टेल यू अबाउट द कोर्स, करंट अफेयर्स कोर्स, जिसको हम होलिस्टिकल तरीके से कवर करते हैं पूरे करंट अफेयर्स को, बिकॉज करंट अफेयर्स एज अ मॉड्यूल बहुत तंग करता है कि ये अलग से मॉड्यूल है भी नहीं है और है भी है, आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर भी करने हैं। सो देयर इज दिस कोर्स व्हिच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, इट इज फॉर बोथ प्री एंड मेन। जैसे जो आप वीडियो देख रहे हो अभी, this is only for your prelims. This course is for both pre as well as main and is available in both offline and online format. Bahut briefly batata hu ki kya strategy hai iske andar. There are three things. Number one, you have a class. There are basically two classes. Saturday and Monday ko ye class hoti hai, jiske andar preceding week ke current affairs ko discuss aur cover kiya jata hai bahut holistical tarike se. Pre and mains dono ke level pe usko dekha jata hai. And ek bari jab aap ye wali class laga lete ho, you will get to know ki इसकी क्वालिटी क्या है। यू गेट अ 7 डेज फ्री ट्रायल फॉर दिस क्लास बाय द वे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। कुछ क्लासेस लगाइए, आप फ्री वाली क्लासेस लगाइए, ट्रायल लीजिए एंड उसके बाद में यू विल गेट टू नो कि इसकी क्वालिटी क्या है। सेकंड इज वीकली पीडीएफ्स ऑफ द करंट अफेयर्स। तो जो पिछले वीक के करंट अफेयर्स होते हैं उसकी एक पीडीएफ बन के आपके पास आ जाती है आपके डैशबोर्ड के अंदर, एंड आफ्टर दैट आप उसको पढ़ते हो। बहुत ब्रीफ में वो होता है लेकिन वेल रिसर्च्ड, इधर उधर जितना उसके ऊपर जो है स्टैटिक पोर्शन, डायनेमिक पोर्शन, सब कुछ मिला के वो पीडीएफ बनती है। बहुत कम पेजेस की वो पीडीएफ रहती है, आप उसको पढ़िए एंड यू कैन कंसीडर कि आपके करंट अफेयर्स उस वीक के कवर हो चुके हैं। एंड टू फोर्टिफाई एंड टू सॉलिडिफाई जो आपने किया है, वी हैव वीकली टेस्ट विच आर पार्ट ऑफ दिस कोर्स ओनली। तो वीकली टेस्ट भी साथ में चलते हैं इसके, एंड इसके ट्रायो के कॉम्बिनेशन के साथ में यू कैन कंसीडर कि आपका जो करंट अफेयर्स वाला मामला है वो आपका यूपीएससी के लिए जो है इट इज डन। सो चेक इट आउट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, 7 डेज का फ्री ट्रायल है, यू कैन चेक इट। चलिए आगे चलते हैं। सतलुज के ऊपर ही प्रोजेक्ट बना हुआ है और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? शिमला एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट्स। आगे चलते हैं। क्या एम है इसका? टू प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट्स टू लोकल सप्लायर्स एंड लोकल एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज को इसके अंदर है, उसके इसका बेनिफिट वहां पे आएगा। अदरवाइज भी जो डैम के बेनिफिट्स हैं जो आपने स्टैटिक में भी पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, जो लॉजिकल आपके दिमाग में आ रहा है वही सब यहाँ पे भी है। चलिए, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, इट इज पार्ट ऑफ द लुहड़ी प्रोजेक्ट विच इज डेजिग्नेटेड टू कंप्राइज 3 हाइड्रो पावर डैम्स। क्या क्या है? लुहड़ी स्टेज 1 विच इज 210 मेगावाट्स, लुहड़ी स्टेज 2 विच इज 163 मेगावाट्स एंड दिस वन जिसकी अभी अप्रूवल आई है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी से, दैट इज सुन्नी डैम 382 मेगावाट्स। इट विल बी गवर्न्ड बाय इंडस वाटर ट्रीटी signed between India and Pakistan in 1960. क्यों इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये गवर्न्ड होगा?
दिस इज बिकॉज द प्रोजेक्ट लाइज इन सतलुज बेसिन विच इज अ पार्ट ऑफ इंडस बेसिन. देखिए ये भी एक पोटेंशियल पॉइंट है प्री का, ये प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और उसमें बोल दिया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और उसमें से एक स्टेटमेंट ये होगी कि द प्रोजेक्ट विल बी गवर्न बाय इंडस वाटर ट्रीटी. तो तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सतलुज के ऊपर है और सतलुज इंडस का पार्ट है ना. तो इसमें स्टैटिक पोर्शन भी आपका साथ साथ में जो है वो एक्टिव होएगा, वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा. तो आपको एक सही आंसर की तरफ नज किया जाएगा अगर आपको ये सब चीजें एक साथ बताऊंगी. इट विल बी गवर्न बाय इंडस वाटर ट्रीटी 1960 बिकॉज सतलुज बेसिन इज अ पार्ट ऑफ इंडस बेसिन, है ना. और ऑब्जेक्टिव इसका वही है कि टू प्रोड्यूस एज मच एनर्जी एज पॉसिबल विद अ मिनिमम कॉस्ट एंड फ्यूअर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट. इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या है? हालांकि देखिए प्री में ये डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा, बट अगर आपको मेंस में कहीं कोट करना है या कहीं पे क्रिएटिवली इसको यूज करना है तो यू कैन यूज दिस डायरेक्टली बिकॉज ये ऑफिशियल डेटा होते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होती है दैट इज ऑलरेडी देयर. तो एग्जामिनर के पास में आपको बिलीव करने के लिए एक ग्राउंड हो जाता है, एक फाउंडेशन हो जाती है आपके आंसर में, एक बिलीफ आता है, एक वैलिडिटी आती है इस टाइप की चीज को कोट करने के बाद. विल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बाय 1.1 मिलियन टन्स एनुअली, है ना, बिकॉज हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है इसलिए. एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, एड इन फुलफिलिंग पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड द ग्रोइंग एनर्जी डेफिसिट इन द नॉर्दर्न रीजन. तो अगेन ये वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, इनफैक्ट किसी भी पावर प्रोजेक्ट का काम होता है मोर और लेस ये वही है. और यहाँ पे एक ऑफिशियल डेटा है जिसको आप जो है मेंस के अंदर डायरेक्टली कोट कर सकते हो. लेट्स सी इसके ऊपर किस टाइप का सवाल बन सकता है. अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर इट. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फॉल अंडर द इजी कैटेगरी. विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि पूछा क्या गया है. यहाँ पे क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट. तो हम जब फ्लो में पढ़ते हैं तो कई बार हम नॉट वाला जो पार्ट है उसको मिस कर जाते हैं कि नॉट बोला है नहीं बोला है. तो ये नॉट हमने बहुत ध्यान से पढ़ना होता है स्टेटमेंट को, बहुत ही केयरफुली. इट इज एडवाइज कि आप स्टेटमेंट अगर आपको जितनी मर्जी अच्छी तरह समझ में आ रही हो, रीड इट ट्वाइस थ्राइस, देख लो उसको दोबारा जस्ट टू बी श्योर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लोहरी प्रोजेक्ट, लोहरी डैम स्टेज वन स्टेज टू एंड सुन्नी डैम. अभी देखा कि ये fall under this project. So the answer is Tehri Dam. It is not a part of that. So this was today's topic. इसके अंदर इतना ही है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ इसके अंदर पूछा नहीं जा सकता है. And thanks for watching. Check out the course. The link is down there. इसके लिए आपको 7 days का free trial भी है. Take the trial. आप आइए एक बारी class में. And it's अगर आप online आ रहे हैं तो हमारे पास एक इंटरेक्टिव वे के अंदर आपके कमेंट्स वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं. एंड इफ यू आर कमिंग ऑफलाइन देन यू आर सिटिंग राइट इन फ्रंट एंड यू हैव द टीचर्स एक्सेस आल्सो बिफोर एंड आफ्टर द क्लास. थैंक यू सो मच. माय नेम इज रोहित गर्चा एंड यू आर वाचिंग अभिमन्यु आईएएस.